नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर निगम जोन 5 के वार्ड क्रमांक 23 में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। जी हां, यूं तो नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है सफाई को लेकर राजधानी भोपाल में, वहीं लोगों द्वारा कचरा फेंके जाने पर नगर निगम द्वारा लोगों का स्पॉट फाइन किया जाता है, मगर क्या हो जब नगर निगम खुद ही कचरा डाले, इनका फाइन कौन करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के जोन क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 23 शहीदा स्कूल रोड की, जहां डॉक्टर कॉलोनी भी है। वहां नगर निगम ने खुद कूड़ा घर बना रखा है, जहां लोग तो कचरा डालते ही है, वहीं देखा जा रहा है कि नगर निगम की गाड़ियां भी आकर कचरा डंप करती है। घंटों के बाद जब डंपर वहां पहुंचता है तो वो कचरा उसमें डालकर आदमपुर खंती पर पहुँचाया जाता है। देखने वाली बात तो यह कि वहीं से 500 मीटर की दूरी पर यादगार शाहजानी डंपिंग सेंटर भी है, मगर नगर निगम वहां चालक कचरा वहां ना पहुंचाते हुए अपनी सहूलियत अनुसार सईदिया स्कूल रोड पर कचरा फेंक देते हैं, जहां से डंपर में लोड करके आदमपुर खंती पहुंचाया जाता है। इसकी जानकारी हेल्थ ऑफिसर को भी है, मगर हेल्थ ऑफिसर इस ओर ध्यान नहीं देते। वहां के रहवासियों का कहना है कि हम कई बार इसकी शिकायत ऊपर अधिकारियों में भी कर चुके हैं, मगर यहां पर कोई सुधार नहीं है। इस कचरे की बदबू की वजह से काफी बीमारियां उत्पन्न होती है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजधानी स्थित सईदिया रोड पर, सईदिया स्कूल यहाँ पे है उसी रोड पर। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घूड़ा घर बना हुआ है। अगर हम कहें इसके बारे में तो ये लोगों द्वारा नहीं डाला गया है, नगर निगम की गाड़ियाँ खुद आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी फिर एक और मैजिक आ गई है, ये लोग आकर यहाँ पे खाली करते हैं और करने के बाद फिर यहाँ से डंपर लगा के कचरा उठाया जाता है, इससे यहाँ पे काफ़ी गंदगी मची रहती है, बदबू उत्पन्न होती है। वहीं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो महिला अस्पताल है वो मौजूद है, वहीं के नर्सिंग जो वहाँ की नर्सें हैं उनके क्वार्टर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर के क्वार्टर्स यहाँ पे पूरे मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे सारे। उन्हीं के सामने इस तरह कचरा नगर निगम द्वारा फेंकना, क्या किस हद तक ये उचित है यहाँ पे कचरा डंप करना, उसका फिर कचरा उठाना। वहीं अभी एक ऑटो चालक भी है नगर निगम के जो यहाँ पे कचरा लेकर आए थे, डंप करने वाले थे, मगर हमारी टीम को देख करके उन्होंने ऑटो ये भी यहीं लगा दिया। ये ऑटो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कचरा भरा हुआ यहीं पर खड़ा हुआ। वहीं आप देख सकते हैं कचरे का ढेर लगा, इससे काफ़ी बदबू उत्पन्न होती है यहाँ पर और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, इससे बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। वहीं यहाँ पे एक नगर निगम की एक और गाड़ी खड़ी हुई है जो कि इस कचरे को उठा करके डंपर में डालती है, फिर ये डंपिंग सेंटर पे पहुँचता। वहीं आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं, अगर नगर निगम की ये मैजिक जो गाड़ियाँ हैं आके यहाँ कचरा डंप करती हैं, यहीं से कुछ 500 मीटर की दूरी पे डंपिंग सेंटर है, या अगर शाहजानी डंपिंग सेंटर वहाँ पर न जाते हुए यहाँ पर ही सीधा डंप किया जाता है कचरा, उस डंपिंग सेंटर पर नहीं पहुँचाया जाता। अभी यहीं के रहवासी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं किस तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें कचरे की बदबू से और इस कचरे से। नाम बताइए आपका। सर, मेरा नाम सलीम खान है। सलीम जी, यहाँ पे कचरा डाला जाता है, अगर हम बात करें तो लोग तो डालते ही हैं, साथ साथ नगर निगम गाड़ियाँ भी आकर के यहाँ पे कचरा डंप करती हैं। जी जी, यहाँ पर जो है अभी पहले इसके पहले भी जो 19 नंबर 23 नंबर 22 नंबर सब डंप हो रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने जो है कॉलोनी वालों ने यहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे, तब जाके वो 19 और 22 का तो बंद हो गया, लेकिन अभी 23 नंबर का डंप हो रहा है। ASO साहब खुद आए थे यहाँ पर, उनसे बात की थी तो किल्ला साहब कुछ दिन की परेशानी है वहाँ पर, हमारा चालू हो रहा है तो वहाँ पर ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है बराबर, वो ये कहते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं। वो यहाँ पर अभी बरसात जब होती है इतनी ज़बरदस्त बदबू आ रही थी, और अभी भी हम उस दिन जो गदर मचाया था, इन्हीं क्वार्टरों में रहते हैं। नहीं, मैं खुद भी कर्मचारी हूँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, और मैं खुद भी सामने वाले ऊपर सबसे ऊपर में ये रहता हूँ। यहाँ से जब एक डंप होता है कचरा उठता है तो पूरी बदबू पूरी आती है। इसकी शिकायत क्या आपने ऊपर अधिकारियों से की है, जिस तरह नगर निगम खुद यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल किया हमने। यहाँ का जो ASO इनके अधिकारी हैं अभी नए आ गए हैं, उसके पहले पुराने थे, उनसे भी उनको भी बुलाया था इसके पहले, अभी ये नया आए उनको भी बुलाया था, वो सब सुनते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वैसे के वैसे हो जाता है। भाई, आपको बताना चाहेंगे नगर निगम का जोन क्रमांक 5 है और यहाँ पे जो वार्ड लगते हैं वार्ड 22 वार्ड 23 और 19 का भी यहाँ पे कचरा का डला है, जिस तरह से यहाँ के रहवासियों ने बताया काफ़ी चिंता का विषय है। क्यों नगर निगम प्रशासन या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस तरह कचरा ला के एक बस्ती में डालना, जहाँ आप देख सकते हैं आगे ही एक इस्लामपुरा भी एक घनी बस्ती है, यहाँ पे कचरा मौजूद होना काफ़ी एक चिंता का विषय है। नगर निगम को इस ओर भी ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं ऊपर बैठे अधिकारियों तक ये खबर नहीं पहुँचती है, क्योंकि निचले स्तर के अधिकारी या कर्मचारी क्या कर रहे हैं इससे उन्हें अवगत नहीं कराया जाता है, मगर ये लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप देख सकते हैं सारा कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, ये लोगों द्वारा कचरा डाला हुआ नहीं है, ये नगर निगम की खुद गाड़ियाँ के यहाँ पर खाली होती हैं, उसके बाद ये डंपर में लोड करके इस गाड़ी द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे
हुक लोडर भी खड़ा हुआ है छोटा, यहाँ से इससे कचरा यहाँ से इससे उठा करके डंपर में लोड करके फिर आदमपुर पहुँचाया जाता है। क्यों ये मैजिक गाड़ी है, जब यहाँ पे एक डंपिंग सेंटर बनाया हुआ ऑलरेडी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ही है यादगार शाहजहानी डंपिंग सेंटर, वहाँ पे कचरा क्यों नहीं पहुँचाया जाता है, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। देखना ही होगा नगर निगम प्रशासन क्या निर्णय लेता है इस रोड के बारे में। शहीद स्कूल से लगा हुआ ये रोड है, शहीद स्कूल रोड कहलाता है, डॉक्टर कॉलोनी मौजूद है, नगर निगम को इस ओर ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन भानु कुमार के साथ मैं आदिल खान, केकेआर न्यूज़ भोपाल। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।